अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समीना सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड एंड फैशन। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी पराठा रोल, जो कि बहुत मज़े का और बहुत स्पाइसी बनता है। तो चलें देखते हैं कि उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 150 ग्राम ब्रेस्ट पीस लिया है, इसके मैंने ये तिक्का बोटी स्टाइल के पीसेस करवा लिए हैं। फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने चिली सॉस, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने सोया सॉस और 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने लेमन जूस और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है ग्रीन चिली सॉस। और फ्रेंड्स, स्पाइसेस में इसमें जाएंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, ये 2 पिंचेस कलवंजी, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ज़ीरा और साबुत धनिया को पीस के उसका पाउडर और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी। 1 टीस्पून लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। पराठा रोल बनाने के लिए मैंने ये 2 कप लिया है मैदा, 1 टेबलस्पून लिया है कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर और ये सादा पानी लिया है। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, इसमें मैं ये 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये 1 टीस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल माइनर सा पानी ऐड करके हमने अपना ये आटा गूंदना है, ताकि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा थिक। इसे यूँ आटे वाले स्टाइल में गूंदेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह हमने गूंदना है कि इसमें कोई भी कहीं पे लम्प्स ना रह जाएं। इसी तरह हमने इसे 5 मिनट तक गूंद लेना है। ये देखें, आटा हमारा रेडी है। आटे को मैं आधे घंटे के लिए कवर करके रखूँगी, तब तक हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। सलाद को रेडी करने के लिए ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके, तो इसको मैंने यूँ रिंग्स में कटिंग कर ली है। ये हम इसमें बाउल में ऐड कर देंगे। एक गाजर लेके, इसके ये मैंने बारीक स्लाइसेस कटिंग कर लिए हैं, इसको भी ऐड कर देंगे। 1 गोभी लेके, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये खीरा लेके, इसके भी ये स्लाइसेस कटिंग कर लिए हैं। इन सबको मैं इस बाउल में ऐड कर दूँगी। इसमें हम डाल देंगे पानी, जिसमें ये अच्छी तरह डिप हो जाए, ये देखें। और ये 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। चलें अब हम अपना चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना ये बोनलेस चिकन। फ्रेंड्स, इसे हमने यहाँ तक फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छी तरह चिकन के साथ हम भून लेंगे। चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सोया सॉस। चिली सॉस। ये ग्रीन चिली सॉस। और ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे अपने ये सारे स्पाइसेस। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको कवर करके तो 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक करूँगी। अपना चिकन चेक करते हैं। वाव, अमेजिंग, बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब इसको चिकन तंदूरी का टच देने के लिए ये मैंने इस पर कोयले जो हैं ये जला के रखे हैं और इस पर मैं ये माइनर सा घी ऐड कर दूंगी। इसको कवर कर दूंगी और 2 मिनट बाद हम इसे खोल लेंगे, तो ये चिकन तंदूरी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो चलें चेक करते हैं। वाह, बहुत कमाल की खुशबू है। तो देखें, हमारा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन तंदूरी तैयार है। और पराठा रोल बनाने के लिए हम अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। पराठे बनाने के लिए अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। हम बहुत बड़े साइज़ के पराठे नहीं बनाएंगे, सिंपल रोटी की तरह इसका पेड़ा बना लिया। हाथ से थोड़ा बड़ा किया इसे। अब मैं इसे रोटी की तरह बेल लूँगी। ये देखें, ये मैंने बेल लिया है। अब हम इसका पराठा तैयार करते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसे माइनर से हम घी ऐड करेंगे।
और अपना ये पराठा इस पर डाल देंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे, इस पर हम ये बिल्कुल माइनर सा घी लगाएंगे, हमने इसे बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं करना। अगेन साइड चेंज करेंगे, ये हमारा पराठा बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, इसे मैं उतार लेती हूँ। अब मैं बाकी भी पराठे तैयार कर लूँ। देखिए हमने ये पराठा लिया, इसके ऊपर हमने ये अपनी सॉस ऐड की, हमने अपनी सॉस सारी इसके ऊपर लगा ली। अब हम ये इसके सेंटर में अपनी ये सलाद रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी और अपनी चॉइस के मुताबिक सलाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये चिकन रखेंगे। तंदूरी चिकन बनाना बहुत आसान है और ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखें, इसको यूं दोनों को पकड़ा, ये देखें, इसको रोल करते हुए हमने इसकी बाइंडिंग कर देनी है। देखें फ्रेंड्स, हमारा पराठा रोल रेडी है। सॉस हमने अप्लाई कर ली है, इस पर अपनी सलाद डालेंगे। ये देखें, इसको यूं पकड़ के इसको कवर किया और अब हम इसकी बाइंडिंग कर देंगे। इस साइड से इसे फोल्ड किया। देखें फ्रेंड्स, ये हमारा पराठा रोल रेडी है। तो फ्रेंड्स देखें, हमारे चिकन तंदूरी पराठा रोल बनके रेडी हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत मज़े के हैं, ये रेसिपी आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल फूड एंड फैशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।